हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू संडेज कुकिंग। और मैं अमृता फिर से आप लोगों के सामने कुछ नई रेसिपीज लेकर आई हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं एंड पूरे साल मैं गर्मियों का इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ आम के लिए करती हूँ। और अगर आपने आम की नई रेसिपीज ट्राई नहीं की हैं, देन इट्स हाई टाइम टू ट्राई दीज टू रेसिपीज। माई रेसिपी नंबर वन, ये आम का अचार है। बट डोंट गेट स्केयर्ड, क्योंकि जब तक मैंने नहीं बनाया था, आई नेवर न्यू कि अचार बनाना इतना आसान भी हो सकता है। तो पिछले कुछ सालों से मैं ये पिकल बना रही हूँ एंड फ्रॉम माय साइड आई विल मेक श्योर कि मैं कोई ऐसी रेसिपीज आपको ना दूँ जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। झटपट बनने वाला आम का अचार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आम को छील कर। मैंने यहाँ पर दो तोतापुरी आम लिए हैं जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है यहाँ पर। आप अपनी पसंद के कोई भी आम ले सकते हैं। आम को छीलने के बाद ग्रेटर से उसे ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों आम ग्रेट कर लिए हैं एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्टील का छोटा ग्रेटर यूज़ नहीं किया है। अगर आप उसमें करेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ग्रेट करने में। अगर आपके पास बड़ा ग्रेटर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे आसानी से ग्रेट हो जाएगा। अगर आप आम को कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्लाइस भी, पतले पतले स्लाइस भी कट कर सकते हैं। कद्दूकस किए हुए आम को हम किसी प्लेट में ले लेंगे और उसे फैला लेंगे। अब इसे हमें धूप में या फैन के नीचे 1 से 2 घंटे तक सुखा लेना है। कढ़ाई गर्म कर देंगे और उसमें 1 टेबलस्पून पंचफोरन डाल देंगे। पंचफोरन की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फोरन 5 स्पाइसेस का एक मिक्सचर होता है। इस रेसिपी के लिए आप 1 टेबलस्पून मिक्सचर ले सकते हैं जीरा, राई, कलौंजी, सौंफ और मेथी का। एंड देन इसके बाद हम पाउडर में इन मसालों को दरदरा कूट लें। सो 1 से 2 घंटे तक हमें ये कद्दूकस किया हुआ जो आम है इसे सुखाना था। मैंने 3 घंटे तक छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। ना भी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे पानी इसका एब्जॉर्ब हो जाता है। एक एक करके इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो दरदरा कूटा था स्पाइसेस, उसे हम डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, कैरम सीड जिसे कहते हैं, 1/2 टीस्पून कलौंजी, ब्लैक सीड, 2 to 3 pinch हींग, हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। इसके बाद हम ऐड करेंगे टेबल सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। सबसे अच्छी बात होममेड पिकल की यही होती है कि आपका पूरा कंट्रोल होता है नमक और तेल पर। लाल मिर्च पाउडर अगेन, आपको जितना खाना है, जितना तीखा आप चाहते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। एट लास्ट ऑयल डालने के बाद हम नाइसली मिक्स करेंगे। इस अचार में मैंने अदरक एंड लहसुन नहीं डाला है, बट इफ़ यू वांट आप 1/2 इंच अदरक और 6 से 7 लहसुन की कलियां लेकर ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं।
recipe is completely ready and you can start enjoying this from first day itself. Now, अब इसे एक जार में हम ट्रांसफर कर लेंगे. Keep eating it और जार में ही रहने दे. After 3 and 4 days, इसका फ्लेवर और भी enhance हो जाता है. We can store this pickle up to 2 months. And just be careful कि आप जो भी स्पून यूज कर रहे हैं पिकल निकालने के लिए वो गीली नहीं होनी चाहिए. My recipe number 2. ये एक पंजाबी कढ़ी है एंड इसे कहते हैं माणी. एंड गर्मियों में बनाया जाता है क्योंकि ये केरी से बनती है जो गर्मियों में ही मिलता है. और ये रेसिपी भी मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ. वन ऑफ माई पंजाबी फ्रेंड शी टॉट मी दिस रेसिपी. It came out so well. मेरे घर में सबको ये पसंद है. कोई भी कच्चा आम ले लें आप अपनी पसंद का और उसे छील लें. यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अपनी कढ़ी ज्यादा खट्टी नहीं चाहिए तो आप आधा आम ही लें, एक ना लें. मैं तोतापुरी यूज कर रही हूँ, ज्यादा खट्टी नहीं होती है तो मैं एक ले रही हूँ. अब आम के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे. तो कुछ इस तरह से हमने आम को स्मॉलर क्यूब्स में काट लिया है. अब एक एम्प्टी बोल में हम 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे. हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, रेड चिली पाउडर एज पर टेस्ट. ऑप्शनल है बट आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए. देन ऐड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लें. पेस्ट बन जाएगा तो जो बचा हुआ पानी है वो भी हम ऐड कर देंगे कढ़ी के लिए. कढ़ी के लिए हमें पानी और भी चाहिए होगा, वो हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे. कढ़ाई को हम 2-3 मिनट पहले बिठा देंगे गरम होने के लिए. 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे एंड देन इसे 2 मिनट के लिए और गरम करेंगे. हाफ टी स्पून से भी कम हम मेथी दाना लेंगे और तेल में डाल देंगे. इसके बाद हाफ टी स्पून हम राई लेंगे, वो ऐड कर देंगे. एंड हम हाफ टी स्पून साबुत जीरा लेंगे और वो तेल में डाल देंगे. तड़के में सबसे लास्ट हम एक सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल देंगे. तेल ऑलरेडी गर्म है तो हमें इसे पकाना नहीं है. 30 सेकेंड्स to 1 मिनट तक हम स्टर करके इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे. हींग डालते के साथ जो हमने कच्चे आम के पीसेस रखे थे वो इसमें डाल देंगे. ये ऑप्शनल है लेकिन कढ़ी के खट्टेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसमें 1 टीस्पून शुगर भी डाल सकते हैं. तो आम को हम तब तक कुक करेंगे जब तक वो सॉफ्ट एंड टेंडर ना हो जाए. एंड यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक ढक के इसे लो फ्लेम पे पकाया था. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आम के पीसेस सॉफ्ट हो गए हैं तो बेसन का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था वो इसमें हम डाल देंगे. बेसन का मिक्सचर डालने के बाद हमें कढ़ाई में इसे 1 मिनट के लिए स्टर करते रहना है, नहीं तो बेसन कढ़ाई में चिपकने के चांसेस हो जाते हैं. 1 ग्लास पानी मैंने पहले ऐड किया था बेसन का जब मैं मिक्सचर बना रही थी एंड 2 ग्लास पानी मैं अभी ऐड करूंगी. सो इन टोटल मैंने
3 ग्लास इसमें ऐड किया है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिन चाहिए क्योंकि मैं राइस के साथ खाने वाली हूँ। कढ़ी में उबाल भी आ गई है और इसमें आप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल दें। अब हमें कढ़ी को सिर्फ और सिर्फ 7-10 मिनट तक पकाना है। Enjoy tasty and tangy mani with plain rice. Please subscribe my channel and click the bell icon to get more notification from my side.